Hi Libra, welcome back to Rinki's Angelican. I hope you guys are doing great. You guys had a great week. इस हफ्ते हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है 13th of March to 19th of March. देखते हैं इस हफ्ते टैरो और एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं. As usual हम दो टैरो कार्ड पुल आउट करेंगे और एक एंजल मैसेज पुल आउट करेंगे, गॉडेस मैसेज. एग्जैक्टली वही कार्ड जो हमने लास्ट वीकली रीडिंग में भी यूज करा है ताकि आपको समझ आए कि इस हफ्ते क्या एनर्जीज दिख रही है ना. तो दो टैरो कार्ड और एक गॉडेस कार्ड. ओके लीब्रा, ये जो कार्ड आया हुआ है ये बता रहा है कीप योर पॉइंट फॉरवर्ड. लीब्रा, दिस इज अ टाइम टू स्टिक टू व्हाट यू फील इज राइट. एट द सेम टाइम अपनी दिल की बात, अपनी दिल की एनर्जी खोल कर बताइए किसी को. यू नो आई फील इस हफ्ते आप जितनी लोगों से मदद मांगोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा क्लिक फॉर श्योर. तो इस हफ्ते मदद मांगने से डरिए मत, पीछे मत हटिए, जितना हो सकता है अपनी जो सच्चाई है ना किसी के आगे खोलकर रखिए. देखिए लोग आपको समझना चाहते हैं पर आप अपनी रियलिटी, अपना ट्रुथ नहीं बता रहे हो अभी भी लोगों को. जितना आप अपनी रियलिटी और ट्रुथ बताओगे ना तभी आपको सपोर्ट मिलेगा, तभी आपको लोग समझने की कोशिश करेंगे. इस वक्त आपको ना ऐसा लग रहा है मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा. क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि आपने कभी अपनी लाइफ की रियल स्टोरी रखी नहीं है. आप हमेशा उसको शुगर कोट करते हो, हमेशा उसको ट्विस्ट करके बताते हो. दिस इज नॉट राइट एंड इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड. ओनली व्हेन यू वांट दैट रियल सपोर्ट इट विल कम टू यू. साइमल्टेनियसली ये भी बोल रहा है आपकी इच्छाएं, आपकी विजन, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, नो डाउट अबाउट इट. पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए लीब्रा. इम्पेशेंट होके गुस्सा मत कीजिए. आपका ना अग्रेशन भी बढ़ता जा रहा है. क्यों? क्योंकि आप अपने आप से गिल्टी हो. आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो यार इतना करने के बाद भी कुछ ना मिले तो कैसा फील होगा. ऑफकोर्स आपको ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं पर एट द सेम टाइम रिमेंबर कीजिए कि इस वक्त आपको थोड़ा सा और पेशेंस होल्ड करके रखना है. आपने डेफिनेटली ग्रोथ दिखाई है पर और जो आपकी मन चाही डिजायर्स है उस तक पहुंचने के लिए और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ब्लूमिंग. जैसे मैंने अभी लास्ट स्टेटमेंट बताई आपको कि आप ग्रो डेफिनेटली हुए हो पर जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी डिजायर्स है वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा और समय लगेगा. यू आर गेटिंग स्टार्टेड, यू जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. सो वॉक ऑन दैट डायरेक्शन. सच्चाई के रास्ते चल के देखिए कैसे लाइफ ड्रास्टिकली 360 डिग्रीज आपकी चेंज होती है. जितना आप सच बोलोगे, जितना यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, देखिए सब चीजें सही हो जाएगी. जितना झूठ 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 बोल के आपने एक सर्कल बनाया ना वो बढ़ता जाएगा. फिर वहां से आप निकल नहीं पाओगे. आप ऑनेस्टली वही चीज के अंदर मंडराते रहोगे. सो टू फाइंड द लाइट, टू फाइंड द गाइडेंस, फर्स्ट एंड द बेसिक रूल हियर इज व्हाट योर एनर्जीज आर सेइंग, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, टू अदर्स. आई होप दिस हेल्प्स. आई होप दिस गिव्स यू क्लैरिटी, गाइडेंस एंड डायरेक्शन दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. गुड बाय. हाई स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट. यू गाइज हैड अ ग्रेट वीक. दिस वीक वी आर डूइंग वीकली रीडिंग फॉर द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 13th टू 19th ऑफ मार्च. देखते हैं ये हफ्ते टैरो और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो पहला कार्ड हम पुल आउट कर रहे हैं वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स. बेसिकली ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड हमें बताता है स्कॉर्पियो की कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट जरूरी है. आप ना बहुत क्रिएटिव फील कर रहे हो, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा फील कर रहे हो पर ऐसा लग रहा है यार कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही. कर सब कुछ रहे हैं पर फिर भी कुछ रास्ता नहीं दिख रहा. ये कार्ड आपको बताने आया है क्या करना है इस वक्त आपको. आई फील इस वक्त आपको थोड़ा सा सपोर्ट मांगना चाहिए, थोड़ा सा हेल्प मांगनी चाहिए, थोड़ी सी मदद मांगनी चाहिए. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो ना मुझे ऐसा लग रहा है वर्ड ऑफ माउथ आपके लिए बहुत काम कर जाएगा. यू नो लोगों को बोलिए कि आप जॉब ढूंढ रहे हो. आप इसी वक्त अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स को फोन लगाकर बोल दीजिए कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप सीक करो. आई फील कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ ना आपके लिए मिरेकल करेगा. ऑफकोर्स नॉट विद जॉब बट विद एनीथिंग. बिकॉज जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स. यूनिवर्स आपको दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली मदद करने के लिए रेडी है पर आपको उसके लिए एफर्ट भी दिखाना जरूरी है. जितना आप एफर्ट दिखाओगे देखिए कैसे अपना रास्ता खुलता जाएगा, कैसे आपकी तरक्की ऑटोमेटिकली हो जाएगी. सो स्कॉर्पियो इट्स टाइम टू शो द एफर्ट टू योरसेल्फ एंड द यूनिवर्स. द मोमेंट यू शो द एफर्ट यू विल सी समथिंग फॉर श्योर कमिंग योर वे. अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है ब्लूमिंग.
अगेन इट्स अ ग्रेट मैसेज, ये बता रहा है कि भाई अब तो देयर इज नो लुकिंग बैक, यू नो यू आर ग्रोइंग, यू आर गेटिंग बेटर. मैं ये भी बताऊंगी, ये कार्ड बता रहा है कि आपने ना बस शुरुआत करी है तरक्की की, रास्ता मंजिल बहुत लंबी है, आप बस ये डायरेक्शन को फॉलो करते जाइए, देखिए कैसे ऑटोमेटिकली आप तरक्की देखते हैं. सो आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स, आई होप दिस गाइड्स यू, मोटिवेट्स यू एंड ब्रिंग्स यू मोर एंड मोर लाइट इनटू योर लाइफ. हैव अ ग्रेट वीक अहेड, गुड बाय. Hi Sagittarius, Sagittarius, welcome back to the channel. I hope you guys are doing great. ये हफ्ता हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है 16th to 19th of March. देखते हैं ये हफ्ता टैरो एंजल्स गॉडेस आपको क्या मदद कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं. टू बिगिन विथ हम दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रहे हैं. तो अब जो पहला कार्ड हम आपके लिए पुल आउट कर रहे हैं वो है द मून. Sagittarius ये कार्ड बता रहा है आपका लॉन्ग टर्म प्लान तो बहुत क्लियर है यार, 3 साल बाद ये करना है यार, 5 साल बाद वो करना है, बहुत बहुत एम्बिशियस हो फॉर श्योर. पर जो प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? आई फील Sagittarius ये हफ्ते ना आपको अपना प्लान है ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए. जो बोलते हैं ना छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए. आपके लॉन्ग टर्म गोल्स बखूबी आप जा रहे हो, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो. आई फील इट्स टाइम यू मेक शॉर्ट टर्म प्लान्स, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे प्लान्स बनाइए. मंथली प्लान्स बनाइए, क्वार्टरली प्लान्स बनाइए, यू नो, एंड बाय एनुअली और एनुअली प्लान्स बनाइए. क्योंकि कहीं ना कहीं वहां से आप ग्रोथ देखना स्टार्ट करोगे. मुझे ऐसे लग रहा है रास्ता तो लंबा वाला पता है, पर कैसे जाना है, कहाँ करना है, वो छोटी छोटी चीजों को आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को थोड़ा एनालाइज करना होगा. आप बड़ी बड़ी चीजों में ध्यान दे रहे हो, बड़ी बड़ी चीजें तब होगी जब आप छोटी छोटी चीजों को चेक करोगे. आप समझ रहे हो बहुत मैटर करती है ये बातें, चाहे इस वक्त सेंस बनाए या ना बनाए, पर आप जब अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे ना आपको उसका आंसर जरूर येस पे मिलेगा. आपको लगेगा हाँ क्यों इस वक्त आप हैवी फील कर रहे हो, क्यों इस वक्त आप बर्डन फील कर रहे हो. ऐसे लग रहा है यार जितने एफर्ट लगा रहे हैं, जितनी मेहनत डाल रहे हैं, वो चीज बनी नहीं पा रही, वो चीज हो ही नहीं पा रही. आई फील Sagittarius थोड़ा सा अपने ऊपर से बर्डन हटाइए, थोड़ा सा अपने आप को पावर में लाइए, अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट मत कीजिए. आपने ना अपने आप को बहुत नीचा दिखा के रखा है, आपने अपने आप को इतना डाउट करके नेगेटिव थॉट्स डाल दिए अपने दिमाग में, अब वो ना नेगेटिव थॉट्स निकल ही नहीं पा रहे हैं. सो समवेयर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कट ऑफ दीज नेगेटिव थॉट्स एंड वॉक फॉरवर्ड इनटू योर प्रेजेंट विद मोर पॉजिटिविटी. आपका जो बर्डन, एंजाइटी, विक्टिम, ये सारी एनर्जीज को हटा दीजिए, फोकस कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, यूनिवर्स से बात करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाइए. क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो हमें निकालने हैं इस वक्त. ये हफ्ता दिमाग में बहुत ज्यादा कूड़ा भरा रखा हुआ है, तो ये कूड़े को पहले से क्लीन करना है. जैसे आप क्लीन करोगे, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओगे, तभी जाके आपको रास्ता दिखेगा. ये क्या बोल रही है गॉडेस? गॉडेस आपको बोल रही है इट्स टाइम टू टेक द लीप ऑफ फेथ. लीप ऑफ फेथ लीजिए, आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए, कदम उठाइए, तब जाके आप सक्सेस देख पाओगे, तब जाके आपकी जो मनोकामना है वो उसको आप यू नो एक्नॉलेज करोगे और उसे पूरा करने की कोशिश करोगे. इट्स टाइम टू जम्प, इट्स टाइम टू टेक दैट रिस्क एंड नो लुकिंग बैक फॉर श्योर. सो आई होप Sagittarius दिस हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी एंड डायरेक्शन दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड, गुड बाय.